दिल्ली में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के जो 1031 स्कूल हैं उनमें 64,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है टीचर्स की, उसमें से केवल 35,000 टीचर उपलब्ध है, 29,000 टीचर की शॉर्टेज है, और ये 35,000 टीचर में भी 22,000 टीचर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पर है, गेस्ट टीचर है। हर साल 9वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चे 1 लाख से ज्यादा फेल होते हैं, और उनको दिल्ली सरकार ना तो रिपीट करवाती है, ना उनको 10th में एडमिशन देती है, उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देती है, वो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में चले जाते हैं। बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खराब हो रहा है। जो ये 21,000 टीचर हैं, इनको महीने में केवल 15 दिन बुलाया जाता है और इनको 1,000 रुपया दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये सदन से पूछना चाहता हूं, अगर टीचर को 15,000 रुपये मिलेगा महीने में तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी? एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर बोलते हैं कि मैं वहां के 36,000 गेस्ट टीचर को 1 साल के अंदर मैं रेगुलराइज कर दूंगा, और दिल्ली में 7 साल से जहां पर उनकी सरकार है वहां पर एक भी गेस्ट टीचर उन्होंने अभी तक रेगुलराइज नहीं किया। 22,000 गेस्ट टीचर है। उन्होंने दिल्ली में वायदा किया था मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नया गेस्ट टीचर रेगुलराइज नहीं हुआ। आज जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक उसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत वो झूठ के जहाज पर चलते हैं। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कान पकड़कर और उसको सर वो उनसे बात करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करे। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य भारत सरकार एक मिनट माननीय सदस्य ठीक है मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ सर, मगर भारत सरकार जो